Hey guys, welcome to Software Engineering Lectures which are brought to you by Easy Engineering Classes. So, आज के इस लेक्चर में हम रिलायबिलिटी मेट्रिक स्टार्ट करेंगे. चार तरह की रिलायबिलिटी मेट्रिक्स होती हैं और आज हम पढ़ेंगे कि वो क्या क्या होती हैं और उनकी बेसिक डेफिनेशन को समझेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली मेट्रिक होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड. सो इस मेट्रिक से हमें क्या पता चलता है? बेसिकली दिस मेट्रिक इज अ मेजर ऑफ द लाइकलीहुड दैट द सिस्टम विल बिहेव इन एन अनएक्सपेक्टेड वे व्हेन सम डिमांड इज इम्पोज्ड ऑन इट. इसका मतलब ये हुआ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब यूज़र की कोई डिमांड आएगी सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए या सिस्टम की कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करेगा, सही नहीं बिहेव करेगा या कोई भी ऐसे तरीके में बिहेव करेगा जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है कस्टमर से. तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी या उस सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड. ठीक है. और ये मेट्रिक, ये रिलायबिलिटी मेट्रिक इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ सेफ्टी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स. सेफ्टी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स में हम जनरली हर ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल कंसिडर करते हैं. यानी हर बार जब यूज़र कोई भी रिक्वायरमेंट पुट कर रहा है सिस्टम पे या यूज़र कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहता है सिस्टम पे, तो every time it is considered very crucial for the system to execute that function. ठीक है. तो safety critical system में हमारे लिए बहुत important है जानना कि ऐसी कितनी probability है या कितने chances हैं जब कोई demand आएगी और हमारा system fail हो जाएगा या सही से काम नहीं करेगा. ठीक है. अब second metric पे आते हैं, reliability metric, which is rate of occurrence of failure, which is also known as ROCoF. ठीक है. अब रेट ऑफ अकरेंस ऑफ फेलियर से मतलब है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से हमारा सिस्टम या सॉफ्टवेयर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर डिस्प्ले करेगा. सो इट इज़ अ मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस विद विच अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इज लाइकली टू बी ऑब्जर्व्ड. तो पहली दो मेट्रिक में ये डिफरेंस है कि पहली मेट्रिक बताती है कि कितने चांसेस हैं कि सॉफ्टवेयर सही नहीं बिहेव करेगा, और दूसरी मेट्रिक ये बताती है कि कितनी फ्रीक्वेंटली ऐसा होगा कि सॉफ्टवेयर सही नहीं बिहेव करेगा. तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ कि हमारी रेट ऑफ अकरेंस ऑफ फेलियर वैल्यू है सपोज 9 on 100. ठीक है. तो इसका मतलब है दैट आर सॉफ्टवेयर विल फेल या विल बिहेव अनएक्सपेक्टेडली 9 times out of 100 ऑपरेशनल यूनिट टाइम्स. ऑपरेशनल यूनिट्स या ऑपरेशनल यूनिट टाइम्स. ठीक है. सो मतलब अगर हमने 100 यूनिट टाइम्स 100 बार एग्जीक्यूट करा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर उन 100 यूनिट्स में से 9 यूनिट्स है. ठीक है. या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंटली फेलियर अकर होगा जब हम सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक गिवन टाइम पीरियड में. नेक्स्ट कम्स मीन टाइम टू फेलियर. अब मीन टाइम टू फेलियर का मतलब होता है कि दो फेलियर्स के बीच में क्या टाइम गैप है या क्या टाइम इंटरवल है बिटवीन टू ऑब्जर्व्ड फेलियर्स. ओके. एंड दिस मेट्रिक इज वेरी यूजफुल इन केसेस व्हेन द सिस्टम इज स्टेबल एंड नो चेंजेस आर बीइंग मेड टू इट. क्योंकि अगर सिस्टम स्टेबल नहीं होगा तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअली हमने चेंज अगर करा है तो उसके बाद फेलियर इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं या ऑलरेडी सिस्टम की पहले से कैरेक्टरिस्टिक यही थी, इतना ही मीन टाइम टू फेलियर था. इसका मतलब कि बेसिकली जब हम मीन टाइम टू फेलियर निकालते हैं, वी फाइंड आउट और वी ट्राई टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग द सिस्टम विल रिमेन ऑपरेशनल बिफोर अ फेलियर अकर्स. एंड फॉर दैट टू फाइंड टू बी वेरी accurate, for this measure to be very accurate, we have to maintain a system, or we should have a system that is stable and does not change with time, or it does not encounter many changes. So we can also say that mean time to failure is an indication of how long the system
will work or will be operational. Or when I say will be operational, I mean it will work correctly. ठीक है? Before failure occurrence or before failing. Alright, तो mean time to failure में आपको ये ध्यान रखना है कि generally हम उन software को consider करते हैं which are stable by nature. Last reliability metric आती है आपकी availability. Availability as it states, it is a measure of how likely the system is to be available for use. अगर users use करना चाहते हैं system को तो कितनी likelihood से यानी कितनी बार वो available रहेगा system for use. ऐसे ही अगर मैं same example लूँ, अगर मुझे पता है कि availability of the system मेरी है suppose 10 out of 1000, yeah sorry 10 out of 100, 10 out of 1000 would be way less. It means that in every 100 time units, the system is likely to be available 10 of the time unit. ठीक है? So it will be available 10 times or 10 unit times out of the total 100 unit times. Alright. Now we come to a very important formula that is actually very useful if you get in theory exams, if you are preparing for theory exams, because there is a question, a 2-mark question that is generally asked on this formula, which is MTBF is equal to MTTF plus MTTR. Now, I hope you get the meaning of all of them, but still I'll write it down for you again. It is mean time between failure, जो कि दो फेलियर्स के बीच में टाइम गैप होता है, दिस इज मीन टाइम टू फेलियर विच वी हैव स्टडीड राइट नाउ एंड दिस इज मीन टाइम टू रिपेयर. Alright, so although mean time between failure sounds very familiar to mean time to failure, but actually mean time between failure is a sum of mean time to failure plus the time it is taken to repair the system and correct the fault that caused the failure. So this formula is very important and you need to keep in mind. The last formula for this lecture is the formula for availability and calculation of availability on these values based on mean time to failure and mean time to repair. So what is that formula? Availability is generally also written as mean time to failure divided by mean time to failure plus mean time to repair multiplied by 100%. Alright, so this is what is the formula of availability. आज के लेक्चर में दो फॉर्मूला आपको मैंने बताए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस में ये जनरली पूछे जाते हैं एंड दीज आर वेरी इजी टू रिमेंबर एज वेल. सो आई होप यू अंडरस्टूड द रिलायबिलिटी मेट्रिक्स दैट आई टोल्ड यू इन दिस लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ईजी इंजीनियरिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. थैंक्स अगैन.